20 सड़क मार्ग की दूरी घटने वाली है। इस मार्ग के मोहनिया घाटी में प्रदेश की सबसे लंबी और चौड़ी सड़क सुरंग बन रही है। यह सुरंग 6 लाइन की होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में बन रही इस सुरंग का कार्य वर्ष 2018 में शुरू हो चुका है, जो दिसंबर 2022 में खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के NHAI द्वारा चुराहट से मोहनिया घाटी तक करीब 15.35 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। यह सड़क 6 लाइन की होगी। इसमें 2.28 किलोमीटर की मोहनिया घाटी में सुरंग होगी, जबकि 13.7 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सड़क होगी। चुराहट से मोहनिया घाटी तक 15.35 किलोमीटर 6 लाइन सड़क का निर्माण हो रहा है। यह पूरी सड़क कंक्रीट की होगी। इसकी लागत 1004 करोड़ है। इस सड़क का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉम कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। इस सड़क में सुरंग की लंबाई प्रदेश में सर्वाधिक होगी। इस सुरंग की लंबाई 2.28 किलोमीटर होगी। इसके बन जाने से रीवा से रांची तक का मार्ग सुगम हो जाएगा। ये वाण सागर के दो नहरों को भी काटते हुए निकलेगी। टनल ललितपुर सिंगरौली के लिए निकलने वाली रेल लाइन के ऊपर से तथा गोविंदगढ़ से चुराहट की ओर जाने वाली सड़क के नीचे से गुजरेगी। इतना ही नहीं, बाण सागर द्वारा बनाई गई यूपी और एमपी की नहर में कोई व्यवधान नहीं पहुंचेगी। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश को जाने वाली नहर के नीचे से एवं मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई नहर के ऊपर से यह सुरंग चुराहट शहर को पार करेगी। NHAI द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अभी जो सड़क मोहनिया से चुराहट तक जा रही है उसका हाईवे से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि वह सुरंग बनने तक चालू रहेगी, परंतु टनल बन जाने के बाद वाहनों का आवागमन चुराहट से सुरंग के अंदर से शुरू होगा। दोस्तों, इस सड़क और सुरंग से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बताया गया है कि जमीन के नीचे से बनने वाली इस सुरंग में कोई पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।